नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया हैज फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। जो ये मिलिट्री रैंकिंग्स देता है सेनाओं की, अलग अलग देशों के सेनाओं की, तो उसकी ये रैंकिंग पर इस पर पाकिस्तानी लोगों की राय ली है रिबाहा ने। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या कहना है भारतीय आर्मी की, इतनी पावरफुल भारतीय आर्मी पर इन लोगों का, देखते हैं। तो इस बार जो एनुअली रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इंडिया की जो मिलिट्री है फोर्थ रैंक हासिल कर रही है और ये ग्लोबल फायर पावर जो है ये रिपोर्ट है और इंडिया को फोर्थ पोजीशन दी गई है इसमें मिलिट्री पावर होने की हैसियत से। इसको आप कैसे देखते हैं सर? इसको मैं एज अ पाकिस्तानी कैसे देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। कोई भी चीज़ जो है वो जो आपको पेपर्स में नज़र आ रही होती है उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है। अगर आप शुरू करें 1990 से, तो वहाँ से जब इंडियन जो गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये डिसाइड किया था तब कि वो जो अपना डिफेंस का बजट है ना उसको इनक्रीज़ करेंगे, और तब से उन्होंने अपना डिफेंस का बजट इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया और तब से लेकर आज तक वो अपना डिफेंस का बजट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और जब आप अपना डिफेंस का बजट इंक्रीज़ करेंगे मींस कि आप अपनी आर्मी को पैसे देंगे खर्च करने के लिए, तो आपकी जो आर्मी है वो अपने जवानों पे पैसा खर्च करेगी, उनकी फलाह बहबूद पे पैसा खर्च करेगी और उनको एक अच्छा जो है ना ट्रेनिंग सेशन सब प्रोवाइड करने के बाद जो पैसे बचेंगे उनसे इक्विपमेंट बाय करेंगे। और जब आप लेटेस्ट इक्विपमेंट बाय करते हैं तो जाहिर बात है वो इक्विपमेंट जो है दूसरी दुनिया के लोगों के पास नहीं है, तो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली जो है ना आप एक फोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इंडिया ने कई साल लगा के अपने आप को दुनिया की चौथी फोर्स के तौर पर मनवा लिया है, जो कि आप रिपोर्ट जो आपने बताई है। और दूसरी अगर बात करें आप पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान में रहते हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान की बात भी करनी चाहिए। हमने कभी अपने डिफेंस की तरफ इतना खासा ध्यान ही नहीं दिया। ये तो आप शुक्र करेंगे हमारे पास एटम बम है, वरना हमारा ये यूक्रेन वाला हाल होना था। यूक्रेन ने वो आप दुआएं दें डॉक्टर कदीर खान को, वो जो एटम बम बना गया, और इंडिया को भी दुआएं देनी चाहिए उस बंदे को जिसने एटम बम बनाया इंडिया के लिए। अगर ये ना हो, एटम बम जो है इस टाइम अगर किसी कंट्री के पास ना हो, तो वो आप पे दूसरे मुल्क आप पे हमला कर सकते हैं, आप पे हावी आ सकते हैं। तो आप जो है ना फौजें जो है ना वो चलती हैं पैसे के सर पे, अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं जो उसको लेके चलती हैं। अगर आप अपनी आर्मी को ज़्यादा पैसा देंगे तो उस हिसाब से वो अपने आप को लैस करेंगे। तो इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको क्रेडिट जाता है जिन्होंने उनका डिफेंस बजट इतना ज़्यादा रखा हुआ है, पाकिस्तान के बजट से भी कई गुना ज़्यादा है, कोई 10 गुना ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ जो है इंडिया को दुनिया में चौथे नंबर पे ले आई है आर्मी स्ट्रेंथ के हवाले से। तो सर ये बताइएगा, हम देखते हैं कि इंडिया डिफेंस के अलावा यानी कि टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बना रही है, और दुनिया में जो इंडियन डिफेंस कंपनीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी पे वर्किंग करती हैं वो भी टॉप रैंकिंग पर आ रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा एडिशन करता जा रहा है। एक वक्त था कि वो इम्पोर्ट किया करता था, ठीक है, अब उसने अपने मुल्क में ख़ुद टेक्नोलॉजीज़ बनानी शुरू कर दी हैं और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नेवल पावर हो, लैंड हो, एयर फोर्सेस हो, मतलब वो अपने हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ग्रेजुअली हम देखते हैं कि हमने देखा है ना कि हर फील्ड में, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी आईटी की फील्ड हो, वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सर क्या आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाई जा रही है आज की डेट में दुनिया में? जी बिल्कुल, ऐसी बात ही है। उनके MiG-20 जो है उनके बड़े अच्छे प्लेन हैं। उसके अलावा रशिया के साथ उनका एग्रीमेंट है, रशिया से वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बाय करने जा रहे हैं। और इंडिया जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में खुद कफील भी बहुत हद तक है। उनकी अपनी जो है चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया ख़ुद बना के भी डिफेंस चीज़ें जो हैं, अपनी दफा की चीज़ें जो है दुनिया को बाहर भेजता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं
जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है दुनिया में, दुनिया के नक्शे पे उबर के आ रहा है। जैसा कि आप देखें आईटी के वाले से भी वो हमसे आगे हैं, क्योंकि वो आईटी बहुत ज़्यादा डॉलर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी अराउंड अबाउट मेरे ख्याल जितना सऊदीया ऑयल एक्सपोर्ट करता है उतने की इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करता है। और ये भी है कि दुनिया में इस टाइम जो दुनिया में टॉप कंपनीज हैं ना, बड़ी से बड़ी, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं ना वो इंडियन है। गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इंडियन, सुंदर पिचाई। एप्पल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी इंडियन है। तो इंडियन जो है ना, उनकी उनका एजुकेशन सिस्टम भी हमसे बेहतर है, वहाँ पे तालीम भी हमसे बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है, और बड़े ऐसे ममालिक हैं जिनसे बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये काउंट करती हैं किसी भी मुल्क की स्ट्रेंथ को जो है ना बढ़ाने के लिए। तो ये एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे ना, उनकी उसमें बेहतरी आ रही है। जैसा कि उनका रेलवे का निज़ाम भी आप देखें कितना अच्छा है, बल्कि उनके जो रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, उनकी उनका जो रेलवे का मॉडल है ना, दुनिया में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने नसाब में उसको शामिल किया हुआ है, यानी कि वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको वो शुरू से देखते आ रहे हैं, और ऐसा ऐसा करके वो अभी दुनिया में चौथे नंबर पर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बन गई है। तो बेसिकली ये चीज़ है जो उनको आगे लेके गई है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि चौथे नंबर की आर्मी अभी नहीं बनी है, इस साल के लिए नहीं बनी है, वो पिछले काफ़ी लंबे वक्त से वो नंबर फोर पर मौजूद हैं। हमारी आर्मी नंबर फोर पर ग्लोबल फायर पावर की जो इंडेक्स है वहाँ पे हम काफ़ी लंबे टाइम से नंबर फोर पर मौजूद हैं, और जो शायद पाकिस्तान की रैंकिंग है वो शायद नौवीं है या दसवीं है, नौवीं है शायद, नौवीं है। तो जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होती जाती हैं आप रैंकिंग में ऊपर उठते जाते हो, वो चाहे मैन पावर हो, वो चाहे ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी हो, वो चाहे मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स हो, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और ये तो दो तीन मैंने पैरामीटर्स गिनाए हैं, ऐसे सैकड़ों पैरामीटर्स हैं जिन पर वो संस्था जो है ग्लोबल फायर पावर वो नापती है, तोलती है, उसके बाद रैंकिंग जारी करती है। मतलब एक स्ट्रगल होती है, एक हम लोगों ने उनकी शुरू से स्ट्रगल देखी है। सर ये बताइएगा कि आज इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है, और टेक्नोलॉजीज़ उसके पास हर तरह की टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है, जितने भी बाहर की फ्रेंचाइज़ हैं वो इंडिया के साथ कोलेबोरेशन करना चाह रही है, तो हम कहाँ पर देख रहे हैं इंडिया की नेवल फोर्सेज को, नेवल पावर को कहाँ पर देख रहे हैं आज की डेट में? वैसे रिपोर्ट ने तो ये बता दिया है, हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनकी नेवल पावर को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए जी, अगर उनकी नेवल पावर और आर्मी स्ट्रेंथ हमसे ज़्यादा हो गई है तो ये हमारे लिए बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें भी पंजाबी में कहते हैं ना अपना देखना चाहिए, तो हमें अपना देखना चाहिए यार। अगर वो इतने ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने डिफेंस बजट के ऊपर, हमें भी चाहिए कि हम अपने डिफेंस बजट के ऊपर पैसा लगाएं। और नेवल फोर्स उनकी इसलिए हमसे आगे जाई जा रही है क्योंकि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इक्विपमेंट्स है ना, अगर उन्हें बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद बना लेते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी वो खुद देख लेते हैं, और कुछ चीज़ें वो बाहर से भी मंगवा लेते हैं। इसलिए मंगवा सकते हैं कि वो खुद कफील हैं, वो किसी IMF के पास नहीं जाते, वो किसी वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाते, उनको बाइड में किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें कर्ज़ा दें, हमें ये पैसे दें। हमें तो हर महीने, हर साल, हर छः महीने बाद कभी हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। हमारे तो डोमेस्टिक इश्यूज़ नहीं ख़त्म हो रहे, डोमेस्टिक इश्यूज़ ख़त्म होंगे तभी जब हम ग्रो करेंगे। ये चौथे नंबर भी इंडिया ऐसे नहीं पहुंच गया, उन्होंने पहले अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ ख़त्म किए हैं। तो ये उनकी गवर्नमेंट को भी ये क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचा, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचा, अपनी आवाम के बारे में सोचा, और आज इंडिया जहाँ पे स्टैंड कर रहा है इसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। तो सर क्या देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा में कोई कमी छोड़ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से ठीक है, बजट उसका कम है, लेकिन अगर आप टोटल रकबा देखें तो उस हिसाब से आप चार गुना छोटा देश है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी सेना पर ठीक ठाक खर्च करता है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि नेवल में जो पाकिस्तानी नेवी है वो बहुत ज़्यादा पीछे है, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है पाकिस्तानी नज़रिए से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो बिल्कुल ही कमज़ोर दिखाई देती है सामने। देखिए, आर्मी और एयरफोर्स की बात मैं नहीं करूँगा, वो भी हम काफ़ी बड़े हैं, बट अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर उनको देखा जाए तो वो जितना रकबा आपके पास है उसके लिए उतना काफ़ी है, लेकिन जितना सी एरिया आपके पास है और जिस तरह की नेवल पावर आप में होनी चाहिए वो पाकिस्तान के पास नहीं है।
आज की डेट में हमें भी जिस तरह इंडिया जो है अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज खुद अपने मुल्क में बना रहा है मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू, जब से उनकी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू, वो अपने मुल्क में खुद चीज़ें सारी बना रहे हैं टेक्नोलॉजीज, क्या हमें भी उनसे सीखते हुए अपनी टेक्नोलॉजीज पर वर्किंग करनी चाहिए आज की डेट में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वर्किंग करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं ना, वो है आटे में नमक के बराबर। बिल्कुल थोड़ी सी हम चीज़ें बना रहे हैं, हमें खुद का फील होना पड़ेगा, हमें अपनी इंटरनल मैटर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे, वो मामला हल करने पड़ेंगे, लोगों की लाइफ को सेट करना पड़ेगा, गुर्बत ख़त्म करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब बात करेंगे ना अपनी डिफेंस सिस्टम की, तब जाके बात होगी। पहले तो आप अपने डोमेस्टिक मसाइल हल करें ना, जब तक आपके डोमेस्टिक मसाइल हल नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे चाहे आप जितनी मर्ज़ी बड़ी गन पकड़ा दो, मैं क्या करूँगा? पहले तो मुझे खाना दो ना, मेरे डोमेस्टिक मसाइल हल करो, तो फिर जाके नीड हमारी पूरी होगी, तो फिर हम वो फाइट कर सकते हैं। जी, दुनिया में अब पाकिस्तान में 25% से ऊपर लोग जो ख़त है गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारने, तो पहले इनके बारे में सोचना चाहिए। वो तो इनके बारे में ही सोच रहे, डिफेंस बजट के बारे में क्या सोचेंगे और डिफेंस के बारे में क्या सोचेंगे, ये तो आप दुआएं दें वो डॉक्टर कदीर खान जो एटम बम बना गया, वरना मुझे लगता है कि शायद हमारा भी हाल यूक्रेन वाला हो गया होता। तो सर, एक ये भी कह सकते हैं ना कि आज की डेट में जिस तरह मतलब हमारी जो रोज़मर्रा की बेसिक चीज़ें हैं, हमें उसको ही पूरा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम मतलब टेक्नोलॉजीज़ पे वर्किंग करने के साथ साथ हमें मतलब अपनी पहले बेसिक चीज़ों से निकल आएँ, फिर हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ पर भी काम करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैंने जैसा कि पहले भी कहा, हमें सबसे पहले अपनी गुर्बत दूर करनी है, हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को सही करना है। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ पे इंडियन बैठे हुए हैं, हमारा कोई CEO क्यों नहीं है जी? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बहुत करप्ट है। आर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ सो करप्ट दैट दे विल नेवर टीच अस हाउ टू मेक मनी, दे विल ओनली टेल अस इन दी यू नो द बुक्स एंड एवरीवेयर हाउ टू बी अ गुड एम्प्लॉय, दे वोंट टीच यू हाउ टू बी अ गुड बिजनेसमैन और समथिंग लाइक दैट। जो भी यहाँ पे निसाब है ना, वो ऐसा ही है। तो भाई, निसाब ठीक करो, अपना डोमेस्टिक चीज़ें ठीक करो, उसके बाद जाके आप डिफेंस की तरफ आओगे ना। तो सर, आप अप्रिशिएट करते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया को 4th मिलिट्री पावर होने की हैसियत दी गई है पूरी दुनिया में, क्या आप इनको अप्रिशिएट करते हैं? मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं इसलिए अप्रिशिएट करूँगा कि जो फैक्ट्स के ऊपर बात है ना, फैक्ट्स के ऊपर बात है, वो हमें करनी चाहिए। फैक्ट्स पे यही है कि इंडिया का बजट हमसे ज़्यादा है, इंडिया की इकॉनमी हमसे बड़ी है, इंडिया की आवाम हमसे तगड़ी है, क्योंकि वो बड़े बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं। इंडिया के कुछ चंद एक लोग हैं जो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज जो एशिया की हैं उनको ऑन करते हैं, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, कंडीशन है पाकिस्तान के लिए कि भाई आप अपने बारे में सोचो, कोई अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ और ये IMF से जान छुड़ाओ, लोगों की ज़िंदगियाँ ठीक करो, तब जाके ये काम होगा। अजीब सी खबर दे दी आपने, अगर तो बन चुकी है तो अच्छी बात है। वैसे मैं ये कहता हूँ कि ये फौजें, मिलिट्री, सिक्योरिटी, इनसे ज़रा हट के मोहब्बत वाली बात भी होनी चाहिए। मुबारक हो इंडिया वालों को कि अगर उनकी ये फ़ौज जो है, मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है, अच्छी बात है। हम पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए, हमारी जो हुकूमत है जो खरबों रुपए लगा रही है, तो सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारी फ़ौज को भी सोचना चाहिए स्ट्रांग। पहले तो हम सुनते थे कि पाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे अच्छी फ़ौज है, अगर पाकिस्तान इंडिया वाली फ़ौज हमसे आगे निकल गई है तो हमें पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुकाबला है उनके साथ है। लेकिन फिर भी मुबारक देता हूँ, अच्छी बात है भाई, अब लड़ाई है भाई पूरी दुनिया में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, अब इंडिया जो है डिफेंस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन चुका है पूरी दुनिया में रिपोर्ट के मुताबिक, तो सर क्या वजह नज़र आती है कि इंडिया मिलिट्री वाइज भी इतना आगे जा रहा है, क्या कहेंगे? भाई उनकी अपनी है, अब हम मैं उस पर क्या कहूँ, मैं तो उनको यही कह सकता हूँ अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए, वो कर रहे हैं, सीखना चाहिए। मैं तो अपनी बात करूँगा कि हमें सीखना चाहिए, खुदारा मैं अगर मेरा वज़ीर आज़म, मेरी आवाम, हमारे इदारे सुन रहे हैं तो कुछ नहीं तो इंडिया से ही सीख लें। वो मुझे समझ नहीं लग रही उन्होंने तरक्की की कैसे है, काम करके है? काम करके। हम काम नहीं करते, हम सोए रहते हैं। ये सब आपको बताओ, मैं तो ये बैठा हूँ जाग रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात, अप्रिशिएटेड बात है, इंडिया वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं और बाकी चीज़ों में भी मेहनत करें।
कौन सी? मोहब्बत बढ़ाने में। मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया की आवाम और पाकिस्तानी आवाम बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं। ये एक दूसरे से मिलना जुलना चाह रहे हैं, एक होना चाह रहे हैं। ये जो बीच में बॉर्डर है ना, ठीक है बॉर्डर होने चाहिए, घर भी एक दूसरे की दीवार बनी होती है, लेकिन ये मोहब्बत के बारे में भी सोचें, सिर्फ लड़ाई के बारे में ना सोची जाएँ, स्ट्रॉन्ग ना किए जाएँ अपनी फौजें, लड़ाई 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 ख़त्म करें। अच्छा सर, वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या कहेंगे? आर्मी चीफ बनूंगा तो फिर बताऊंगा कि क्या कर रही है, लेकिन बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में भी। लेकिन ये रिपोर्ट जो आई है ना, हो सकता है उनसे कोई गलत तो हो गया। पाकिस्तान की फ़ौज भी बड़ी स्ट्रांग है और हो रही है, अंदर खाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता। मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर होता हूँ और ये ज़रा मीडिया का बंदा हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत पता चल रही है, लेकिन ठीक है, अगली बात नहीं बता सकता, मारा जाऊँगा। नहीं मारे जाते हैं, बताएं। मतलब इंडिया पाकिस्तानी जो फौज है वो भी बड़ी सियानी है, अंदर खाते बहुत सारी चीज़ें वो भी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, हम किसी से पीछे नहीं है। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। और देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी देश, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, अगर अपनी सुरक्षा में खर्च कर रहा है, हथियारों को ले रहा है, तो इसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अपना घर कौन नहीं चाहता है सुरक्षित करना। और रही बात यूक्रेन की, जैसी बात की उन्होंने, कि ये बात सही है कि यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर कर दिए और उसकी हालत ऐसी है, न्यूक्लियर वेपन होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन देखिए, ये जंग में ये सब मायने नहीं रखता है। अब इंडिया पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन छोटी मोटी झड़पें तो होती रहती हैं। 99 में भी युद्ध हुआ था करगिल का, और उसमें न्यूक्लियर वेपन्स आड़े नहीं आए थे। चाइना और हमारे बीच में भी टकराव बढ़ा, अभी गलवान में इतना बड़ा संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, तनातनी तब से चली आ रही है। हम दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स अपनी जगह हैं, वो डिटरेंट के लिए हैं कि भाई आपने अगर न्यूक्लियर चलाया तो हमारे पास भी ऑप्शन है। लेकिन भगवान न करे कि कभी न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने का मौका आए, क्योंकि देखिए पारंपरिक वेपन्स जो हैं उनसे होने वाला नुकसान सहा जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन से होने वाला नुकसान सहना बहुत मुश्किल काम है। और जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बम गिराए थे, तो उसके बाद जापान छोटी कंट्री थी, फिर भी उसको संभलने में कई दशक लग गए, और अभी भी उसके जो विक्टिम हैं अभी भी हैं, रेडिएशन से बीमार लोग पड़ते हैं। तो एटॉमिक हथियार चलाना धरती के लिए ठीक नहीं है। और रही बात लड़ाई झगड़े की, तो देखिए लड़ाई झगड़ा क्या है कि कोई नहीं चाहता लड़ाई झगड़ा करना, रोज लड़के रहने का कोई फायदा नहीं है। और इतिहास गवा रहा है कि हमने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, आप ये मान के चलिए, और ये इसका सबूत है। हर बार अगर पाकिस्तान प्यार मोहब्बत की बात करता शुरू से ही, तो अब तक शायद स्थितियां बहुत बदल चुकी होती। लेकिन पहले हमले से लेकर और 99 के हमले तक पाकिस्तान ने ही चारों बार हमला किया हम पर। तो भाई कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो अब हिंदुस्तान ने भी सीख लिया है कि भाई पाकिस्तान पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात आप मान के चलिए। लेकिन हाँ बिल्कुल, मैं भी शांति का पक्षधर हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने घर में शांत रहें, हम अपने घर में शांत रहें, आप हमारे यहां उंगलबाजी मत करें, हम आपके यहां भी उंगलबाजी नहीं करेंगे। तो जब तक ये दोनों तरफ से चीजें नहीं होंगी, तब तक हालात सामान्य नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारी कोशिशें भारत की तरफ से हुई हालात सामान्य करने की, लेकिन अब पता नहीं क्या वजह रही कि पाकिस्तान की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं। और अगर पाकिस्तानी सरकार की तरफ से वैसा रिस्पांस मिला भी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया गया जिससे दोनों देशों में तल्खी और ज़्यादा बढ़ गई, गहराइयां और ज़्यादा बढ़ गई। बाकी अब देखते हैं कि आगे भविष्य क्या होता है। हालांकि अभी जो भारतीय मिसाइल गिरी पाकिस्तान में, उसके बाद वहां की सेना ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत, मैं इस पर पाकिस्तान की सेना की तारीफ जरूर करूंगा कि उन्होंने बहुत क्या कहें, संयम से और शांत रहकर इसका जवाब दिया। और जो जहां पे आपत्ति उनको जतानी है, जहां पे ऐतराज जताना है, इंटरनेशनल फोरम है, बाकी चीजें, वो जता रहे हैं और वो उनका करने का हक है। लेकिन कम से कम उन्होंने जवाब में मिसाइल फायर नहीं की, और जवाब में उनके पास हक था मिसाइल फायर करने का, क्योंकि अगर दूसरे देश की मिसाइल अगर किसी के देश में आके गिरती है तो उसके पास हक है जवाबी कार्रवाई करने का, पाकिस्तानी सेना के पास ये हक था। लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल पाकिस्तानी सेना की तारीफ करूंगा कि उन्होंने शांति से काम किया और ठंडे दिमाग से सोचा कि नहीं भाई,
पहले देखो कि मामला है क्या। और भारत ने भी माफी मांगी है, भारत ने भी खेद जताया है, और ये अच्छा कदम है, ये अच्छा पोस्चर है कि भाई भारत भी अपनी गलती माने कि भाई गलती से तकनीकी खामी आ गई, मिसाइल चली गई, तो हम माफी मांगते हैं और इसके लिए बहुत खेद प्रकट करते हैं, दुख है। तो जाहिर सी बात है ऐसा होना चाहिए और बिल्कुल भारत को पूरी तरह से जवाब देना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी गलती क्यों हुई। और जाहिर सी बात है ये छोटी मोटी गलती नहीं है भारत की तरफ से, बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती का परिणाम जो है वो युद्ध में तब्दील हो सकता था। तो दोस्तों सब अपनी अपनी सेना मजबूत करें, लेकिन साथ साथ अपने आवाम को भी महंगाई से बचाएं, अपनी आवाम को भी सहूलियतें दें और अपनी आवाम के लिए काम करें सेना के साथ साथ। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।